बात को सियासी खबरों की भी करते हैं, क्योंकि कोरोना संकट काल के बीच में सियासी खबरें भी इस वक्त सभी के लिए चर्चा का बिंदु हैं। मंत्रिमंडल विस्तार इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कोरोना से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री को अपनी पूरी टीम चाहिए। लॉकडाउन के फेज 3 का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच खबर ये है कि अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और इस बार मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो 22 से 23 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट, 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल से मिले शिवराज, सिंधिया समर्थक होंगे सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सीएम शिवराज राज्यपाल से मिलने पहुंचे, उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है। वे दिल्ली जाएंगे, जहां आलाकमान के साथ संभावित मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होगी। दूसरे कैबिनेट विस्तार में उन सिंधिया समर्थक नेताओं को जगह दी जाएगी जो मंत्री पद त्याग कर बीजेपी में आए हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही कैबिनेट में जगह मिल गई है। बाकी सिंधिया समर्थकों में महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, एनएल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को भी जगह मिल सकती है। इनके अलावा बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ कुछ नए चेहरे भी टीम शिवराज में शामिल हो सकते हैं। उनमें राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, सुरेंद्र पटवा, हरिशंकर खटी। इनके अलावा टीम शिवराज में नए चेहरे प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, रमेश मेंदोला, गोपीलाल जाटव, यशपाल सिंह सिसोदिया और अरविंद भदौरिया शामिल किया जा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से और विशेष करके प्राथमिकता जो है कोरोना महामारी से लड़ने की है, इस कारण से मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ विलम्ब हुआ है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। 23 मार्च को चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद वे कोरोना की जंग में जुट गए और मंत्रिमंडल का गठन टलता गया। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। ज्योतिराज सिंधिया जी के इतने लोगों को एडजस्ट करना है, उसका दबाव पड़ रहा है, इनको अपने संगठन का दबाव पड़ रहा है, और जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल को एक राजनीतिक चौसर की चाल की तरह लिया जा रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति की तरह लिया जा रहा है, ये एक मध्य प्रदेश के लिए भयावह संकेत है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन कोरोना से लड़ाई लड़ रही शिवराज सरकार के सामने अभी कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। उनमें उपचुनाव भी है, लेकिन ऐसे हालात में क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि चुनाव आगे बढ़ते हैं तो शिवराज सरकार विधान परिषद गठन के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। राजनीतिक और संवैधानिक संकट का हल कैसे निकलेगा, ये भी बड़ा यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।